आफ्टरनून स्टूडेंट, हम क्लास का चैप्टर कहानी की कहानी पढ़ रहे थे। उसमें हमने बताया बूंद जो है लेखक से आपस में अपनी आप बीती सुना रही है। अब बूंद और लेखक में बातें हो रही हैं। अब जब बूंद ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वो यहाँ पहुँची और ये भी बताया कि पृथ्वी कैसे बनी, उसके बाद उसने बताया कि कितने साल तक वो कहाँ रही, तो लेखक को आश्चर्य होता है और वो अपने मन ही मन में सोचता है, क्या मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और उस उसकी बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। दीर्घजीवी यानी जो बहुत समय तक जो है जीने वाला, वार्तालाप यानी बातचीत, श्रद्धा यानी सम्मान। कहता है मैंने उससे बातचीत करते हुए अपने आप को धन्य माना, सम्मान के लायक मेरी उसके प्रति क्या हो गई, सम्मान बढ़ गया बूंद के प्रति ऐसी दीर्घजीवी से बातें करके। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हैं और सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा, अब वो क्या बताती है उस कि हम एक दिन शांति से बैठे हुए थे और हवा में खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा एहसास हुआ मानो हम खिसक रहे हों, हमारे सबके चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी यानी हम डर गए कि अब क्या होगा। इतने दिन आनंद का से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हमें ना था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं, उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। वो क्या बताती है कि अब जो हमारे खुशी के दिन, आनंद के दिन, मजे के दिन थे, उनके ख़त्म होने के पश्चात हमें लग रहा था कि हमें अब दुख सहन करने का हिम्मत ही नहीं है। बहुत पता लगाने पर हमें पता चला कि हमारे भार से क्या हो गया है, जो हमारे नीचे जमी हुई ठोस बर्फ है वो दबकर पानी हो गई है और जो उनका शरीर है ठोसपन को छोड़ गया है और जो ठोसपन छोड़ने से क्या हो गया, नीचे पानी बन गई वो बर्फ और उसके ऊपर हम क्या कर रहे थे, उनके पिघले हुए शरीर पर हम फिसलते चले जा रहे हैं। मैं कई मास यानी महीने समुद्र में इधर उधर घूमती रही, फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में गिर गई। और क्या बताते मैं वहाँ से कहाँ पहुँची, कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर में घूमती रही। अचानक एक दिन क्या हुआ कि एक गर्म जो धारा थी उससे मेरी मुलाकात हो गई और धारा के जलते अस्तित्व को मैंने क्या किया, उसको ठंडक पहुंचाने के लिए, अस्तित्व यानी वजूद या हस्ती को ठंडा करने के लिए मैंने उसकी गर्मी को अपनी तरफ सोखना शुरू कर दिया और उसके फलस्वरूप मैं तो क्या हो गई, पिघल कर मैं भी पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा यानी जो नज़ारा देखा वो तो वर्णातीत है, वर्णातीत यानी जिसका वर्णन न किया जा सके। कहते समुद्र का भाग बनकर तो मैंने जो जो नज़ारे देखे वो तो जिसका वर्णन ना किया जा सके ऐसे हैं। मैं अभी तक तो ये समझती थी कि समुद्र में केवल मेरी बंधु बांधवों का ही राज्य है यानी कि केवल उसमें मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार, सभी मेरे दोस्त ही हैं, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। लेकिन अब मुझे उसके अंदर जाकर पता चला कि समुद्र में तो क्या है, सही में हमारा नहीं बल्कि दूसरे जीवों का अस्तित्व ज़्यादा है और उसमें निरा नमक भरा है और उसमें केवल समुद्र में क्या भरा हुआ है, नमक। पहले पहले तो मुझे जो समुद्र का खारापन था बिल्कुल भी नहीं भाया यानी पसंद नहीं आया, मेरा तो जी मसलाने लगा, घबराने लगा। अब धीरे धीरे अब मुझे सहन हो गया है। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, मुझे इसके अंदर भी जाकर देखना। अब वो क्या सोचती है कि भाई समुद्र के ऊपर तो मैंने बहुत घूम लिया लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगी, समुद्र के अंदर भी जाऊँगी, फिर क्या। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। इस काम के लिए मैंने क्या सोचा, अपना काम अंदर ही अंदर जाना शुरू कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र देखे, रास्ते में उसने क्या देखे, अजीब अजीब जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोगे,
बहुत धीरे रेंगने वाले क्या देखे, घोंघे देखे, जालीदार मछलियाँ देखी, कई कई मन भारी कछुए देखे, यानी मोटे मोटे भारी भारी कछुए देखे, हाथों वाली मछलियाँ देखी, ऑक्टोपस यानी एक मछली ऐसी भी देखी जो मनुष्य से, जो आदमी से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ है यानी ऑक्टोपस, ऐसी मछली को क्या कहते हैं ऑक्टोपस। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी, वो क्या करती थी अपने इन हाथों से अपना जो शिकार था उसको पकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब वो समुद्र के अंदर की बता रही है कि उसने वहाँ क्या क्या देखा। अब वो क्या बताती है कि मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर चली गई और मैंने ऐसी एक चीज़ देखी तो मैं अचानक उस पर चौंक पड़ी।